माशाल्लाह से आज हमारा सैंडी हैप्पी मूड में है और परों को फैलाकर नाचने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इसके करीब जाऊंगा ना तो क्या पता ये मेरे पे हमला ना कर दे। हाँ भाई सैंडी, हमला तो नहीं करना। नहीं नहीं, ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, इसका कुछ पता नहीं होता, हमला भी कर देता है। भाई गंदे, फेंको इसको पानी में, फेंको ना, ये डक्स खा लेंगी। तो इब्राहिम ने दोस्तों कल से जो फिशेज लाई थी ना, कल से ही शापर में लेकर इनको घूम रहा है। इतनी ज्यादा बू आ रही है, लेकिन फिर भी यार ये पूल है मछलियों के लिए, छोड़ो पूल के अंदर, दूसरे पूल में नहीं, इसी में, ये डक्स के लिए और डक्स ही खाएंगी। हाँ फेंको फेंको, दूसरी वाली भी फेंको, बहुत अच्छी बात है। एक इब्राहिम ने मछली फेंक दी है पानी के अंदर और अभी दूसरी वाली की बारी है। मुझे दो ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, चलो ना यार जल्दी करो। शाबाश इब्राहिम, आज दूसरी फिश भी पानी के अंदर फेंकने वाला है। हाँ बाद में आप ले लेना, अभी तो फेंको ना, ये पानी की चीज है ना, पानी में ये अच्छी लगती है। हाँ शापर में बाद में आपको डाल दूंगा। ये दोनों फिश देखो, वो जिंदा हो गई, वो हिल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार अब मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। बाहर वो खड़ा है, नजर नहीं आ रहा, एक टक्कर मारेगा उठा के फेंकेगा। अब ये गुस्से में खड़ा अपनी फीमेल को लेकर। अली यार वो स्टिक ले आओ ना उठाकर, इसको हम पहले उस तरफ करेंगे तभी हम बाहर निकल सकते हैं, वरना फिलहाल तो आज भाईजान ये देखें कैसे परों को फैला रहे हैं। और करीब नहीं आना ज्यादा, तुम्हें भी यहाँ जरा स्टिक सामने करो, ऐसे स्टिक ऊपर की तरफ करो, ऐसे ऊपर। हाँ अब थोड़ा सा करीब हो, ये स्टिक को देख के देखे कैसे भी भागेगा। चला गया इब्राहिम, छोड़ दो अपनी फिश को, उनको बाद में उठाएंगे, आ जाओ। पिजन हाउस से इतनी ज्यादा बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। अच्छा तो यहाँ पर मदर फीड करवा रही है अपने बच्चों को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बॉक्स है ना, हमने सबकी सफाई भी कर दी है और इनके अंदर हमने नया घास भी डाल दिया है। अब बॉक्स कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ भाई अच्छा कुछ नहीं कहता यार, अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवाती हो तुम, बहुत ज्यादा अच्छी हो। यहाँ पर दो बच्चे यार, इस जगह पर ना ये वाले बच्चे मुझे लगता है थोड़े थोड़े जख्मी है, इनको ना कोई और कबूतर है जो मारते हैं। और यहाँ पर बाकी जितने भी कबूतरों के अंडे आए हुए थे ना, वो सारे अबू ने उठा के फेंक दिए। यहाँ पर भी अंडे थे शेराजी के, वो भी अबू ने फेंक दिए। और एक और जगह पर भी कहीं अंडे आए हुए थे, वो भी अबू ने उठाकर फेंक दिए। अबू कहते हैं कि अब यहाँ से कबूतर हमने कम करने हैं, तो फिर ये बच्चे देंगे, फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो बच्चे आएंगे और फिर कब हम उन कबूतरों को देंगे। कार्टन में लेकर आ चुका हूँ और इस कार्टन को हमने लगाना है रैबिट हाउस की दूसरी साइड पे, जहाँ से हमारा एक रैबिट अंगूरा रैबिट के घर में चला जाता है और फिर उनको तंग करता है। अभी भी वहीं पर घुसा हुआ है, तो तीन दफा हमने पकड़ के छोड़ा लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। तो फाइनल हमें ये लग रहा है कि हम ये लगाएंगे तो वो उस तरफ नहीं जा पाएगा। पनीरियां सारी हमारी रात को लग गई थी और ये देखें फूल भी हमने ये जगह जगह पर लगा दी हैं। और जो गमलों के अंदर हैं वो तो और ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। इस तरफ देखें, ये सारी पनीरियां लग चुकी हैं और माली भाई कह रहे हैं कि तकरीबन ये पनीरियां एक महीने तक ना इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे और एक या दो हफ्तों तक यहाँ पर जो घास लगा हुआ है ना, ये भी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा और इसके ऊपर हम मशीन भी लगाना शुरू कर देंगे। ये मैंने अब यहाँ पर लगा दिया, अब मेरे ख्याल में रैबिट इस तरफ नहीं आ पाएगा। इधर करीब आओ ना, अब तुम नहीं मेरे पास आ सकते क्योंकि ये पिंजरा है, तो इसने पिंजरा देखा हुआ है इसलिए मेरे करीब नहीं आ पाएगा। और रैबिट हमारे किधर है, किधर है भाई, पता नहीं, नज़र ही नहीं आ रही। ये सामने चला गया, यही वाला मेल है जो हमें सबसे ज़्यादा तंग करता है, लेकिन अब नहीं जा पाएगा। तो भाई साहब हमारा एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा था, हमारे पास आज टाइम तो मैंने सोचा कि हम इसे साफ़ कर देते हैं। अब मैं और जैन इसकी सफाई कर रहे हैं, अली को मैंने भेजा हुआ है बाज़ार कि वहाँ जल्दी से जाओ और जो शीशा साफ़ करने के लिए मैग्नेट मिलते हैं ना वो ले आओ। तो अली गया हुआ है बाज़ार, जब तक वो बाज़ार से वापस आता है तब तक हम इंशाल्लाह इसको साफ़ करके ना इसके अंदर जल्दी से पानी भर देते हैं। तो दोस्तों एक्वेरियम हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे बिल्कुल नया हो। लेकिन एक चीज़ हो गई है, ये टूट गया यहाँ से। अली आ गया, अली आ गया, साफ़ किया है और साथ ही अली भी आ गया। हाँ भाई मैग्नेट आ गया, वाह मैग्नेट आ चुका है। क्या है आपने एसन भाई को कुछ बोला था ना? हाँ क्या बोला था? डायनासोर की फीमेल। और भी कुछ है ना, एक और चीज बोली थी? नहीं बस डायनासोर का फीमेल ही बोली। चले इधर इधर ना यार, क्या हो हो, हमारी डायनासोर की फीमेल भी आ गई है। अब हमारे पास दो फीमेल और दो मेल, ऐसे मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगी फीमेल के साथ एक और भी। और क्या लाए हो यार, आपको नहीं पता एसन भाई को क्या आप बोल के आए? नहीं मुझे तो नहीं याद, आए ना इधर आए सर, इधर आओ ना यार, किधर लेके जा रहे हो? पता नहीं कोई खजाना ले आया जो हमें दिखाई नहीं रहा। एक ना चलो, डायनासोर की फीमेल। ओहो माशाल्लाह कितनी प्यारी है, ओ माशाल्लाह एक और फीमेल भी आ चुकी है। ये है फीमेल ही, मेल तो नहीं है? फीमेल है, गारंटी दी है भाई ने। भाई ने गारंटी दी है जी, फीमेल है। एक और भी चीज की गारंटी दी है ना यार, मुर्गी, मुर्गी भी। एक यार मुर्गी है, ये मुर्गी नजर
असील टर्की टर्की क्या मेल फीमेल है देखें क्या हो सकता है टर्की की माशाल्लाह टर्की की फीमेल भी है ये तो मैंने पास है को नहीं बोला था ये तो हमारे पास है ये तो मैंने नहीं बोला था आ गई है ना यार अभी दो हो गई हैं हाँ वैसे हमारे पास अंडे भी दे रही है भाई बोल रहे थे ये अंडे भी दे रही है सच में खुद देखे हैं अंडे नहीं मैंने नहीं देखे वो भाई कह रहे थे गारंटी है दोनों की तो उसको ओ देखो किधर जा रही है जैसे उसका अपना घरों से सारी चीजों का पता है तो जल्दी से जाती है दोस्तों फीमेल आ चुकी है टर्की की और फीमेल आ चुकी है डायनासोर की दोनों को ना उनके साथ छोड़ते हैं तो हमारे माली भाई भी दोस्तों आ चुके हैं और इन्होंने यहाँ गमलों की अच्छे से सफाइयां कर दी हैं अभी मेरे ख्याल में इनके अंदर खाद डालने वाले हैं और यहाँ से ना इन्होंने कुछ पौधे भी निकाले हैं आ गई है जल्दी शाबाश इस खाद को रखो ना और पौधे कितने तैयार हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पौधे अब ये किसको क्यों उड़ जाएगी नहीं उड़ती पहले हैं इसके पूरे हैं अभी पूरे हैं पूरे पर हैं चलो पर तो हम काट लेते हैं ना पर हम इसके काट लेते हैं लेकिन आज इन दो नए परिंदों के साथ साथ ना 8 नए पौधे भी हमारे फार्म हाउस पे लगने वाले हैं क्योंकि ये वाले जो पौधे हैं इनको ना तो बकरियां खाती हैं ना रैबिट्स खाते हैं तो ये जहां पर भी हम लगाएंगे ना वहां पर ये अच्छे से बड़े हो जाएंगे और वहां पर ये इनको कोई चीज नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी सबसे पहले टर्की को छोड़ते हैं ठीक है नहीं सबसे पहले नहीं नहीं ये देखो टर्की तो ये पास है इसको छोड़ेंगे उसने शोर मचाना शुरू कर दिया उड़ ना जाए नहीं उड़ती नहीं उड़ती उड़ जाएगी यार नहीं उड़ती यार नहीं है ना पहले इसको छोड़ेंगे जो यार तुम उसको छोड़ दो मैं तो इसको छोड़ने लगा हो माशाल्लाह ये तो कंफर्म मेल है ये दोनों फीमेल है बस अब फीमेल की लड़ाई ना हो इधर देना इधर देना छोड़ दो अब तुम्हें बड़ा दिल है तो पहले मैंने छोड़ना छोड़ो अब ये देखना है कि छोड़ो जरा क्या पता ये मेल ही निकल है इसको नाक देखो जरा फीमेल है मुझे कंफर्म मेल ही लग रहा है यार एक और टेंशन भी है मुझे क्या इसमें कोई बीमारी हुई तो हमारे डक्स को बीमारी लग जाएगी तो एक दिन अलग बंद कर देंगे अब कैसे अलग बंद करेंगे अंडे तो नहीं तोड़ दी यार अब ये एक दिन अलग बंद कर देंगे अब मुझे ये भी डर लग रहा है कहीं वो बीमारी इनमें ना आ जाए वैसे बीमारी होती नहीं है अभी तो बिल्कुल ठीक लग रही है लेकिन पहले हमारे साथ ऐसे हो चुका है कई दफा तो इसलिए एहतियात भी लाजमी है लेकिन अब वो देखो मेल नहीं है ओए नहीं मेल नहीं है मेल डांस करता है यार ऐसा ये कुछ समझ नहीं आ रही यार ये हमारे पास पहले मतलब दो मेल थे ये दो मेल हैं यार ओ नहीं नहीं ओ ऐसे फीमेल भी करती हैं जैसे ये कर रही है ना ये ऐसे फीमेल भी डांस करती है बस वो फीमेल के साथ ना लड़ाई करना चाह रही है उसे अब शायद फीमेल को फीमेल पसंद नहीं आई नहीं ये फीमेल देखें कितनी बड़ी है वो अभी बच्ची है कुछ समझ नहीं आ रही जब बड़ी होगी फिर पता चलेगा दोस्तों अगर आपको कोई आइडिया है तो बता दीजिएगा कि हमारे पास ये टर्की के दोनों मेल हैं या फिर ये जो डांस कर रहे हैं एक मेल और एक फीमेल है तो बास भाई आप यहाँ पर लगा रहे हैं जी साहब कितने यहाँ पर लगेंगे एक इधर लगेगा एक इधर तीन इस लाइन में लगेंगे तीन यहाँ पर लगेंगे एक उस साइड पे बकरियाँ तो नहीं खाएंगी ये बकरियाँ खाएंगी तो आप और आके लगा देना कंफर्म आपकी गारंटी ठीक है ना फिलहाल तो अब्बास भाई चार पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं और वहाँ पर भी रखे हुए हैं वो देखें 1 2 3 4 लेकिन उस तरह वाले अभी कंफर्म नहीं है लगाने हैं या नहीं लगाने क्या हुआ है निकालो इसके मुँह से चलो शेरे ओ इतनी ज़्यादा मिट्टी निकालना ये मिट्टी खा के मरा होगा कितनी ज़्यादा मिट्टी खा रहा है निकालो ये देखें ये वाली मिट्टी खा रहा था पत्थर है पूरा हमारी नई वाली डक फीमेल ने यहाँ पर खाना शुरू कर दिया यानी कि डायनासोर की फीमेल ने और ये भी फीमेल ही है भाई ये मेल नहीं है बस जलन हो रही है एक और फीमेल आ गई है ना तो इस फीमेल को अब जलन हो रही है खुद तो अंडे देती नहीं है तो इसका दिल है कि वो भी अंडे ना दे अब उसको भगा रही है उस तरफ मार मार के ना तो ये देखें ये बेचारी नई फीमेल है ना तो इसलिए थोड़ी सी शरीफ है एक दो दिन इसे यहाँ पर गुजरेंगे ना तो फिर इनमें लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी उठा लो इधर ले जाओ अब हम इन दोनों फीमेल को ना इस फीमेल को और साथ में उस फीमेल को दोनों के चेहरे मैच करने हाँ मैच करेंगे ताकि पता चल जाए मुझे तो पक्का शक पड़ रहा है यार कि ये मेल है इसका नाक जो है ना इसे उठा हुआ है और ये होती है असली वाली फीमेल देखो इस तरह का नाक होता है इस फीमेल का ये देखो इसका भी देखना नहीं ना मैच नहीं कर रहा ये मेल है चलो एक दिन छोड़ के देख लेते हैं ये देखो यहाँ पर अब करीब छोड़ेंगे तो एक दिन तो खतरा हो सकता है अब इसको भी तो देखो ना इस तरह का मेल होता है काटने वाला ये देखो हर वक्त आके काटता है इतना जोर से काटता है निशान पड़ जाते हैं चलो दिल तो मेरा करता है मैं तुम्हें ना यहाँ से उठा के ना ऑस्ट्रिच के केज में फेंक दूँ चलो बाहर निकलो यहाँ से इसको इधर करीब लो थोड़ा सा अभी पता चल जाता है लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे ओह ये क्या हो गया तुम तो बाहर निकलो क्यों हमें लड़ाई करवाती हो डर नहीं गई एक वो देखो लड़ाई हो रही है
पता नहीं क्या पता दोनों फीमेल हो, अब ये बड़ी भी हो सकती है ये छोटी हो सकती है एज में ऐसे, क्योंकि साइज में तो यार ये बिल्कुल ऐसे फीमेल की तरह लग रही है। हम बाहर चलते हैं। चलो ओए ओए ये क्या कर रही है, मार रही है वो लड़ाई। नहीं 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 बाहर आ जाओ यार, तुम बाहर आ जाओ, हमें लड़ाई हो जाएगी, फायदा नहीं है। चलो जाओ। और इसके अंडे देखें कितने अंडे, एक अंडा मुझे लगता है इसने और दिया है, 7 अंडे 7। यार ये छोटू गैंग का अंडा तो उठाओ ना, ये रोजाना यहाँ पर आके दे जाते हैं। ये लो कितना दिन, ये मेल है, ये मेल है, जितना जोर जोर से ये चीज चला रहे ना ये पक्का मेल है। खाना शुरू कर दिया ने, दिखाओ पक्का खा रहे हैं, पूरा पौधा खा गए हैं। दिखाओ जरा हटो, कहाँ से खाया है ये देखो। यार ये थोड़ा सा खाया है ऐसे, प्रॉपर तो नहीं खाया ना, हटो मैं खुद इनको देता हूँ, हट जो अभी पता चल जाता है। लो भाई खाओ, ये दूसरा खाएगा ना, दूसरा भी नहीं खा रहा, नहीं खा रहा, देखे ऐसे ही छोड़ दिया, छोड़ दिया, शुक्र है, शुक्र है, खरगोश भी नहीं खा रहे। यही तो हम चाहते थे कि हमारे रैबिट्स भी ये पौधे ना खाएं, ताकि ये पौधे जल्दी से बड़े हो जाएं, यहाँ पर खूबसूरत लगें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक वहाँ पर लग चुका है, दूसरा यहाँ पर आ चुका है। अब्बास भाई आपने गलत नहीं लगा दिए, बिल्कुल सेम एक जैसा फासला होना चाहिए दीवार से, ताकि ये खूबसूरत लगें। निकालो, ये आ गया, ये उधर चला गया, उस तरफ फिर चला गया, ये नहीं बाज आने वाला। हमने ये गत्ता भी लगाया लेकिन पता नहीं कहाँ से चला जाता है, यहाँ से भी छलांग लगा के चला जाता है। निकाल लो, निकाल लो, चलो शाबाश, मुझे दो। ये मेल ही है ना, इसी को तो आदत है, बाकी किसी को आदत तो नहीं है ना, यही आता है। चलो भाई जो अपने घर की तरफ जाओ, इधर नहीं आना वापस, अब उधर जाएगा, जो ही हम कहीं आगे पीछे हो गया ना तो ये फिर यहाँ से जंप लगाएगा। अब कोई पक्का इंतजाम करते हैं, अब मेल डर रहा है, उसको छोड़ो, उसको ऊपर रख दो। हम पता क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर इतना ऊपर करके लगाते हैं। खाओ खाओ, तुम्हें कड़वा लगेगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब्बास भाई ये खा गया, ये देखें अब ये ना जैसे मुंह मर गया है, बाद में नहीं खाना, बाद में नहीं खाएंगे, वक्ती तौर पे खाएंगे। खा लो वक्ती तौर पे तो खाओ ना, ताकि तुम्हारा दिल टूट जाए इस पौधे से। ये खा रहे हैं, इसको भी खिलाते हैं। अब भाई तुम भी खा के देख लो, इसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ा सा शुरू में खाएंगे ऐसे ही ना, ये समझ रहे हैं कुछ सब चीज़ है, लेकिन बाद में एक दफ़ा पता चल जाएगा, फिर इसके करीब नहीं आएंगे। तो बाकी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जगह और कोई नहीं बन पा रही, एक इधर लगाना है और दो भी यहीं कहीं साथ लगा देते हैं। तो आज के व्लॉग दोस्तों यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पकड़ लिए, पकड़ा गया, गिरा हुआ था, चलो कोई नहीं, जिसका भी है उसको वापस कर दो, अभी कोई ना कोई गेट पर आ जाएगा। अच्छा आ जाओ फिर उड़ाते हैं।